तालिबान मुखपात्र जबिहुल्ला मुजाहिद गुरुवार दिन कहते जे चीन आमर एक मुख्य अंशीदार चीन आम पाई मौलिक तथा विशेष सुजोग पाइबा दिगरे प्रतिनिधित्व करुछि एहा आम अर्थनैतिक संकट को समाधान करने को चाहूबा मुजाहिद कहते कारण चीन अफगानिस्तान में पुंजी विनियोग एवं पुनर्निर्माण पर सहमति प्रदान करिछि। एथसहित मुजाहिद कहते जे चाइनीज अफगानिस्तान तंबा खणी और उत्पादन को पुनर्जीवित कर कारण से वन बेल्ट वन रोड को प्रशंसा कर चीन अन्य देश गुड़िक पुंजी विनियोग करतीत से आशा कर चीन विश्व बजार तालिबान को प्रवेश द्वार जगैब सेपटे चीन वैदेशिक मंत्रालय मुखपात्र अफगानिस्तान बेजिंग भल पड़ोशी तथा बंधुत्वपूर्ण सहयोग विकास प्रस्तुत तांको मंतव्यरु अफगानिस्तान पाई चीन रो कूटनैतिक रणनीति किपरि बदली जाउची ताहा एठी स्पष्ट जणा पड़ी जाउची। गत जुलाई रे तालिबान रो एक प्रतिनिधि दल चीन गस्तरे आसी वैदेशिक मंत्री वांग युंग को साक्षात करबा परे दुई देश मध्यरे वैदेशिक संपर्क गढ़ी उठिथिला। तबे चीन एवं तालिबान सहयोगी काहेकि तालिबान सहित चीन रो संपर्क अनेक वर्ष पुरणा एवं एहार अनेक कारण मध्य रहिछि। गोटेपटे चीन केवल पाश्चात्य शक्ति नुह बर मध्य पूर्व विशाल इस्लामिक शक्ति द्वारा उइगर मुसलमान मानंक उपरे मानविक अधिकार उल्लंघन अभियोग आसिथिला एवं अन्यपटे तालिबान अधीन मुस्लिम संख्यागरिष्ठ देश अफगानिस्तान में किछि वर्ष धरी अलकायदा एवं आईएसआईएस भली आतंकवादी रही आसुछंती चाइना रे भविष्य रे हेबाकु थिबा आतंकवादी आक्रमण को रोकिबा पई बेजिंग चेष्टा करुछि बोली अनुमान करा जाउछि। ए विषय रे विश्व समूह चाइनार डेप ट्रैप एवं विस्तारवाद नीति को नहीं समालोचना करिछंती। ब्यूरो रिपोर्ट एनएनएस ओडिया।